सबको जय शु। प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब लोगों का इस प्रार्थना में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और उसका प्यार हर दिन नया हो जाता है, बाइबल ऐसा कहती है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करें, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है इसलिए वो आपको चंगा करेगा, आशीषित करेगा। थोड़ा देर हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन वही आपको स्पर्श करेगा, वही आपको चंगा करेगा। और मैं जानता हूँ कि आप प्रभु के वचनों को सुनना पसंद करते हैं, प्रार्थना करना पसंद करते हैं, दिलचस्पी है आपकी इसमें, और इसीलिए आप प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आप जितने भी लोगों को शेयर करते हैं, बताते हैं, प्रेरित करते हैं, और आप खुद जो समझे हैं वचन को, वचन की गहराई को, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इस समय हम लोग प्रार्थना करने के लिए हम शामिल हैं, और परमेश्वर आप सब लोगों को आशीषित कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। आपने जितने भी लोगों ने इस प्रार्थना के शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में आपके प्रार्थना निवेदन लिखे या अब लिख रहे हैं, परमेश्वर आपके सारे प्रार्थना निवेदनों को सुनेगा, ग्रहण करेगा, और आपको जो आपने लिखा है, जिस भी बात के लिए आपने लिखा है, प्रभु यीशु के नाम से वो बात हो जाएगी। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें कि वो बात हो जाएगी। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं, इस समय, और हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपके वचन में लिखा हुआ है, जो आप पर विश्वास करता है उसे लज्जित होना नहीं पड़ता है। इन लोगों ने तुझ पर विश्वास किया है, इनको लज्जित होना नहीं पड़े। तेरे वचन पर इन्होंने विश्वास किया है, इनको लज्जित होना ना पड़े, इनको शर्मसार होना ना पड़े। लेवी अध्याय 26 में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हारी दासता के, गुलामी के बंधनों को यों तोड़ डाला है कि तुम अपना सिर उठाकर जी सको। तूने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे डाला कि जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जो तेरे पास आता है, तूने कहा, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तेरा वचन कहता है, तू थके मांदे को बल देता है और आसक्त को संभालता है। तेरे वचन पर हम विश्वास करके तेरे सामने, तेरे सिंहासन के सामने जो स्वर्ग में है, हम आते हैं तेरे सिंहासन के सामने। हम अपनी प्रार्थनाओं के साथ, अपने निवेदनों के साथ, अपने दुखों के साथ, अपनी पीड़ाओं के साथ, अपने आंसुओं के साथ, अपने टूटे हुए अवस्था के साथ हम आते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे बीच में है और तू हमारे साथ अपनी महिमा प्रकट करेगा।
मैं विश्वास करता हूं मेरे साथ आज चमत्कार होगा। मैं विश्वास करता हूं कि मैं भी गवाही दूंगी, तू मुझे भी गवाह बनाएगा। मैं विश्वास करती हूं, मैं भी तेरी महिमा करूंगा प्रभु। राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे होंठ खोल दे, मैं तेरा गुणगान करूंगा। मैं विश्वास करता हूं तू मेरे होंठों को खोलेगा, मैं तेरा गुणगान, तेरी महिमा, तेरा बखान, तेरी चर्चा, तेरे कामों की चर्चा मैं करूंगा। तेरे कामों की चर्चा मेरे मुंह से हुई, दाऊद कहता है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु तू आज तमाम लोगों को स्पर्श करेगा और अपनी उपस्थिति में उनको चंगा करेगा, आजाद करेगा। मैं विश्वास करता हूं। सारी महिमा, सारा आदर मैं आपको देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन आमीन। आइए हम इस समय एक सुंदर भजन गाते हैं। मुझ में आए तेरी रंग बू
मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, तेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में। बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। अपना दर्शन मुझे भी करा, मूसा और दानियल की तरह। अपना दर्शन मुझे भी करा, मूसा और दानियल की तरह। अपना दर्शन मुझे भी करा, यही बस है मेरी आरजू, यही बस है मेरी आरजू, यही बस है मेरी आरजू, यही बस है मेरी आरजू। एक साथ उनके गाएं, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, मेरे जीवन को 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 छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, मेरे जीवन को 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 छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, हालेलुया, यीशु छू, 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 यीशु छू। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आपका स्वागत है।
इस समय आप अपने बाइबल, अपनी डायरी, अपने पेन के साथ तैयार हो जाएं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग नोट बनाते हैं और उसके बाद आप जो है चेक करते हैं बाइबल में कि कहां लिखा है। बहुत अच्छी बात है। मुझे लोग बताते हैं कि वो नोट बनाते हैं बाइबल से, इस तरह से बहुत अच्छा करते हैं आप। ओके, तो आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन मनुष्य की आशीषों की व्यवस्था है जो कि अचूक है। यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और वचन के अनुसार जीते हो तो ये अचूक है, अचूक है। जब आप मांगेंगे तो आप चूकोगे नहीं, बल्कि आपको मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। आपको याद है यीशु मसीह ने क्या कहा था, यूहन्ना, जॉन, यूहन अध्याय 15 में, उसमें ले चल रहा हूं। यूहन्ना अध्याय 15 में यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए 15 वचन 7 है या फिर 8 है, यूहन्ना अध्याय 15 और उसके वचन 7 को आप पढ़ें। 7 वचन 7, मैंने कहा आपसे ये अचूक है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो और आपको मिले ना, आशीष मिले ना, ये अचूक है। देखो, यदि तुम मुझ में बने रहो, ठीक, और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं होगा, यहां लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें यानी मेरा वचन, दूसरा अनुवाद इसका जो है वो कहता है मेरी शिक्षा, या वही यानी मेरा वचन, ठीक है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो चाहे जो मांगो, ठीक, यहां लिखा है तो जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, देखा आपने। तो मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का वचन आशीषों की, आपकी आशीषों की ऐसी व्यवस्था है जो कि अचूक है। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा कहेगा कि नहीं नहीं भाई जी, मुझे तो आशीष नहीं चाहिए, मैं ऐसी ठीक हूं। अच्छा, कई बार हम ना वचन को गलत अर्थ समझ लेते हैं, वचन का गलत अर्थ समझ लेते हैं, और इसीलिए हमारी सोच लिमिटेड कर लेते हैं, लिमिटेड कर लेते हैं। जबकि परमेश्वर के वचन की जो सीमा है ना, वचन की सीमा इतनी बड़ी है कि आप जितना चाहें उतना सोच सकते हैं अपनी आशीषों को लेकर के। आप जितना चाहो उतना सोच सकते हो अपनी आशीषों को लेकर के, क्योंकि परमेश्वर के वचन के पालन की सीमा इतनी विस्तृत है और इतनी विशाल है कि आप जितना सोच सकते हो, जो सोच सकते हो, वो आपको मिल सकता है, वो आपका हो सकता है जो आप सोच सकते हो। लेकिन बस एक बात है कि परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत होना चाहिए। जब आप कहते हैं परमेश्वर के वचन के अंतर्गत होना चाहिए जो भी आप मांगते हो, तो इन दिनों हम इस बात पर बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का यदि आप पालन करोगे और इसमें आप उन्नति करोगे, बढ़ोतरी करोगे, प्रोग्रेस करोगे, तो आप अपने जीवन में आशीषों को आते हुए देखोगे। मैंने आपसे ये भी कहा है, यदि मैं ये भी नहीं कहूं कि आपको, आप वचन पालन करो तो आपको आशीष मिलेगी, तो भी आप जब वचन पालन करेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली सेट है परमेश्वर की ओर से कि यदि आप वचन का पालन करोगे तो वो आपको आशीष जरूर देंगे। हालेलुया, वो आपको आशीष जरूर देंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, इसलिए परमेश्वर के वचन का पालन करने की आदत आपके अंदर डालो, ठीक है। कुछ भी हो, आप परमेश्वर के वचन से चेक करके देखो कि आपके अंदर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके,
तो उसका उसका जो वचन है ना, उसका जो शब्द है, शब्द में उसके वचन में सब कुछ समाया हुआ है। इसलिए इसलिए आपको उसके वचन का पालन करना बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पूरी बाइबल को आप उठा के देख लो, परमेश्वर कब नाराज हुआ, परमेश्वर को कब गुस्सा आया, नए विधान में प्रभु यीशु मसीह कब नाराज हुए, नए विधान में यीशु मसीह को कौन सी बातों ने रुलाया या दुख दिया, नए विधान में क्या जरूरत पड़ी यीशु मसीह को शुरू से ही बहुत सारी शिक्षाएं देने की। मत्ती अध्याय 5 के बाद मत्ती अध्याय 8 तक आप जब पढ़ोगे तो आपको यीशु मसीह तरह तरह की अलग अलग शिक्षाएं देते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि उनको वो लोग बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे लगे, बिना चरवाहे की भेड़ों जैसे लगे, और इसलिए स्वयं चरवाहा बन करके जैसे कोई अपनी भेड़ को चराता है, चराना मतलब उसका पेट भरे, वैसे ही जैसे कोई गड़रिया अपनी भेड़ को चराता है कि उसका पेट भरे, उसी तरह से परमेश्वर के पुत्र ने उन लोगों को जो बिना चरवाहे की भेड़ों के समान थे, उनको उनको वचन सुना सुना करके उनका पेट भरा, पेट भरा। और अगर अगर आप परमेश्वर के वचन का महत्व समझना चाहते हो, आप समझना चाहते हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, वरन उसके मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। लूक चैप्टर 4:4 और मैथ्यू चैप्टर 4:4 में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीता है। जब यीशु मसीह ने यह कहा था कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीता है, तो उन्होंने इस बात को कहने के पीछे उनका जो उद्देश्य है वो भी समझो, वो भी समझो। यहां पर शैतान परमेश्वर के पुत्र को प्रलोभन दे रहा था, याद है, शैतान परमेश्वर के पुत्र को प्रलोभन दे रहा है, और यीशु मसीह उस प्रलोभन के उत्तर में ये कह रहे हैं कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि वचन से जीता है, वचन से जीता है। और उसके बाद में शैतान दूसरा प्रलोभन देता है, तो प्रभु यीशु मसीह फिर से वचन बोलते हैं, याद रखो, फिर से यीशु मसीह वचन बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। उसके बाद शैतान तीसरा प्रलोभन देता है, हैं, और उसके बाद यीशु मसीह फिर से वचन ही बोलते हैं, उनके यीशु के मुंह से वचन संबंधी बात के अलावा कहीं और की कोई बात नहीं निकली थी अपने आप को शैतान के प्रलोभन से बचाने के लिए। क्या सोचते हैं आप अपने लिए, क्या सोचते हैं आप अपने लिए कि अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बचो, तो आप क्या सोचते हो कि कैसे बचोगे? यदि यीशु मसीह को अपने आप, यीशु मसीह को बचाने के लिए, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से शैतान के द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन से बचे, तो आप अपने बारे में क्यों ये सोच नहीं सकते कि आप भी शैतान के द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभन से प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा ही बचाए जा सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि उसके वचन से जीता है, वचन से जीता है। यहां पर कोई ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जो ये कहे कि नहीं नहीं वचन से नहीं जीता है, रोटी से जीता है। तो भी यीशु मसीह ने यह कहा कि वचन से जीता है, क्योंकि यीशु मसीह रोटी का सोर्स जानते हैं, वो जानते हैं कि रोटी की पैदावार जमीन में उगने वाले अनाज से होती है, और जमीन में उगने वाले अनाज के पीछे परमेश्वर का वचन शामिल है, शामिल है। मेरे भाई मेरी बहन, आपने 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 जो है सुना होगा, हैं, सुना होगा कि पैदावार कम होने लगती है, आपने सुना होगा अकाल पड़ जाता है। क्या आपने सुना नहीं कि यूसुफ के जमाने में 7 साल का अकाल पड़ा था? और क्या आपने सुना नहीं इब्राहिम के जमाने में भी अकाल पड़ा था? और क्या आपको पता नहीं
इसहाक के जमाने में भी अकाल पड़ा था, और क्या आपने पढ़ा नहीं दाऊद के जमाने में भी अकाल पड़ा था, ठीक है, और क्या आपने पढ़ा नहीं कि एलिया के जमाने में भी अकाल पड़ा था। तो जब अकाल पड़ा तो क्या हुआ, अनाज की पैदावार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्यों अकाल पड़ा, क्यों पैदावार नहीं हुई? अगर जो है, अगर बिना परमेश्वर के बरसात कराए जमीन सींची जाके, सींचे जाने के बाद अनाज पैदा हो सकता है, बिना परमेश्वर के आदेश दिए और बारिश कराए यदि अनाज पैदा हो सकता है तो क्यों पैदा नहीं हुआ अकाल के वक्त में? हाँ, इसका मतलब जब यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीता, तो यीशु मसीह ने सारा क्रेडिट उठा करके ना, सारा क्रेडिट उठा करके रोटी को नहीं परमेश्वर को दे दिया, जो अपने वचन से सृष्टि को कंट्रोल में रखता है, कंट्रोल में रखता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आपको और मुझको वचन के बारे में गहराई से पता होना चाहिए कि वचन, परमेश्वर का वचन बहुत ही जरूरी है एक मनुष्य के जीवन में कि हो। और सुनो, हो सकता है कि एक दूसरा ग्रुप भी हो जो ये सोचता है कि ठीक है, इसका मतलब ये है, ये कह रहे हैं बाइबल पढ़ने के बारे में, तो उठाई बाइबल और पढ़ने लग गए, और पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, और तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए। सुना आपने? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं। क्या वो जो पढ़ रहे हैं उसी को तोड़ते रहते हैं? तो ऐसे लोगों को ये जो समझते हैं कि बाइबल पढ़ने के लिए कह रहा हूं, तो ऐसे नहीं कह रहा हूं बाइबल पढ़ने के लिए। बाइबल को ऐसे पढ़ो कि वो कोई किताब नहीं है, वो तेरी रोटी है जिससे तू जीता है। ऐसे समझ लो, जब आप वचन पढ़ते हो ना, और पढ़ने के बाद जब उस पे चलते नहीं हो, तो ऐसे समझ लो कि आपने खाना तो बहुत अच्छा वाला खाया लेकिन जाके उल्टी कर दी आपने, तो खाना क्या आपके शरीर को लगेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह से जब आप वचन को पढ़ते तो हो, सुनते तो हो, लेकिन उस पे चलते नहीं हो, उसका पालन नहीं करते हो, उसको जो है उस वचन से अपने आप को, एक शब्द उपयोग किया गया है इसमें यूहन्ना 15:8 में, अबाइड इन मी, इंग्लिश में, इफ माय वर्ड अबाइड्स इन यू, तो यदि आप उसके वचन से जुड़े हुए नहीं रहते हो, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वचन जो आपको पुष्ट कर सकता था उसको तोड़ा है आपने, जैसे कोई खाना खा के उल्टी करता है वैसे ही आपने वचन पढ़ के तोड़ डाला। और ऐसा अगर आप करते हो तो आपको आशीषें नहीं मिलेंगी, आपको चंगाई नहीं मिलेगी, ठीक है, आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे भाई मेरी बहन, क्यों मैं इन दिनों वचन के बारे में जोर दे रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह ने जोर दिया था, यीशु मसीह ने वचन के बारे में जोर दिया है, इसलिए मैं वचन के बारे में जोर दे रहा हूं। मैं इस बात के बारे में आपको समझाना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक वचन है, मुझे याद आ रहा है, मैं जब कह रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है, तो देखो आपको याद है यीशु मसीह ने कहा कि न्याय के दिन ये बातें तुम्हें दोषी ठहरा देंगी। मैं बताता हूं आपको, एक वचन है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 है, और वचन 47 को देखना जरा, 47, और कौन सा वचन है, 47-48 दोनों को आप डालो। देखो, मैंने कहा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो
यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। ओके, ठीक है, देखो इसको फुल स्क्रीन पे डाल रहे हैं और देखिए क्या लिखा है। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, ठीक है, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। फिर लिखा है कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात अर्थात जो वचन मैंने कहा है वो है, वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। ओ हालेलुया। ओके, इसको आपको समझना होगा। लिखा है यहां, लिखा है यूहन्ना 12 था ना, हाँ 12:47-48 लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। तो यहीं तक पढ़ लो और अपने आप को खुश नसीब समझने लगो कि हाँ देखो लिखा है दोषी नहीं ठहराएगा, अगर मैं नहीं मानूंगा तो वो मुझे दोषी नहीं ठहराएगा, तो मत मानो। अरे आगे तो पढ़ो, लिखा है क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। हाँ तो जो है मुझे दोषी ठहराने के लिए तो थोड़ी ना आए हैं वो, उन्होंने उसमें लिखा तो है वचन में कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं तो दोषी ठहराने नहीं, मैं तो जगत का उद्धार करने आया हूं। मतलब इस वचन में यीशु मसीह अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी असली पहचान को रिवील कर रहा है। सुनिए, फिर उसके बाद जब यीशु नीचे कहते हैं ना, उसके बाद देखो क्या कहते हैं वो। ऊपर तो खुश हो गए हम, नीचे आ जाओ। नीचे लिखा है जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता। क्या मतलब इसका, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है? इसमें लिखा है ही दैट रिसीवेथ मी एंड रिसीवेथ नॉट माय वर्ड्स। ओ सॉरी, रिजेक्टेड, ही दैट रिजेक्टेड मी, जो मुझे इनकार करता है एंड रिसीवेथ नॉट माय वर्ड, जो मुझे इनकार करता है और मेरे वचन को स्वीकार नहीं करता, जो मुझे तुच्छ जानता है। कैसे आप उसे तुच्छ जानते हो, कैसे आप उसको जो उसका अनादर करते हो, कैसे आप उसका निरादर करते हो? यीशु का जवाब, उसके वचन को अपने अंदर नहीं लेते, जब आप उसके वचन पर नहीं चलते, जब आप उसके वचन के अनुसार नहीं जीते, जब आप उसके वचन के अनुसार अपने आचरण को ठीक नहीं करते, शुद्ध नहीं करते, साफ नहीं करते, और अपने माइंड को ट्रेंड नहीं करते हैं, अपने सेल्फ को ट्रेंड नहीं करते उसके वचन के अनुसार चलने के लिए, तब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जब आप उसके वचन को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उसका अपमान कर रहे हैं, आप उसको तुच्छ समझ रहे हैं। तो लिखा है जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता इसमें है कि नहीं चलता, इसमें है कि नहीं जीता, इसमें है कि शॉर्टकट अपनाता है, वचन को छोड़कर किसी और प्रकार का शॉर्टकट मार के सोचता है कि मैं तो पहुंच जाऊंगा प्रभु के पास। नहीं, लिखा है जो मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है। वो एक कौन है? अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही वचन उसे दोषी ठहराएगा। मेरे भाई मेरी बहन, इसीलिए ये बात बड़ी गंभीर है, वचन वाली बात बहुत गंभीर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वचन
को ग्रहण करें, वचन के अनुसार चलें, वचन के अनुसार जीवन जिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप वचन के अनुसार नहीं जीते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप आशीष की उम्मीद करते करते बिना आशीष के ही चल बसोगे, चंगाई की उम्मीद करते करते बिना चंगाई के ही चले जाओगे। ठीक है, बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूं यहां पे, लेकिन आप इतना समझ लें कि वचन का पालन करना, वचन के अनुसार जीना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है वचन, और किसी बात के द्वारा आपका न्याय नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, एक ही बात के द्वारा आपका न्याय होगा, अर्थात परमेश्वर का वचन। तो यदि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपका न्याय होगा, आप दोषी या निर्दोष उसके वचन के द्वारा ठहराए जाओगे, तो इसका मतलब है आपको उसके वचन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और ऐसी नहीं कि मैं पढ़ के पढ़ के पढ़ के निकल गया और मुझे पता नहीं है कि क्या पढ़ा है या क्या है, मतलब क्या है। मतलब भी पता हो, प्रकाशन मालूम हो, अर्थ नहीं समझ में आता तो पूछो किसी ऐसे से जिसको मालूम है, उससे पूछो आखिर क्यों क्यों ऐसा यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर अर्थ नहीं समझते हैं आप तो, और केवल पढ़ के निकल गए, जैसे कोई प्रार्थना की किताब उठाई और पढ़ी और उसके बाद रख दिया, और आपको पता भी नहीं है कि प्रार्थना वहां गई या नहीं गई है या किताब की किताब में ही रह गई। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको आशीष नहीं मिल पाएगी, आपको छुटकारा नहीं मिल पाएगा, आप आजाद नहीं हो पाएंगे, बंधन नहीं टूट पाएंगे, नौकरी नहीं मिल पाएगी, वीजा नहीं आ पाएगा, घर नहीं बन पाएगा, असफलताएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, पाप आपके जीवन से जाएगा नहीं, आपको दबोच के रखेंगी। बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं लोगों को दबोच करके रखती हैं, दबोच करके रखती हैं, पकड़ करके रखती हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, यीशु मसीह ने बिना वचन सुनाए कोई चंगाई नहीं की, बिना वचन सुनाए उन्होंने किसी को ठीक नहीं किया। और अच्छे थे वो लोग जिनके बारे में लूकस अध्याय 5 में लिखा हुआ है, अच्छे थे वो लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वहां पे। लूका अध्याय 5, मैं आपको बताता हूं, लूक चैप्टर 5, हां 5:1, देखो लूक 5:1 में क्या लिखा है। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी। आज भीड़ कहां गिरी पड़ती है? आज भीड़ कहां गिरी पड़ती है? जहां वचन वाली बात होगी ना, वहां पर नहीं। जहां भोजन वाली बात होगी वहां पर गिरी पड़ती है। जहां उनको सहूलियत वाली, आपको मालूम है बहुत सारे लोग वचन क्यों नहीं सुनते, क्योंकि इसमें करेक्शन दिया जाता है। एक बात बताऊं आपको, एक सलाह देता हूं मैं आपको, देखो आपको नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जो सुनी नहीं रहे। आप कहोगे तो क्यों कह रहे हो, अरे कहने दो ना, बता रहा हूं। आप आओ वचन सुनो, और जब तुमको काटे तो तुम जो है बंद करके चले जाओ। जब ऐसा हो तब समझ जाना कि तेरे अंदर वचन के खिलाफ में कुछ चल रहा है, तेरे अंदर वचन के खिलाफ में कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग जो वचन सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वचन, सच बता रहा हूं आपको, बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे। अंत के दिनों में, या तो पहला तिमथी 3 है या फिर दूसरा तिमथी 3 है, 2 तिमथी 3:1 है ना, 4:3 जी, देखो क्या लिखा है। ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। क्या है खरा उपदेश? खरा उपदेश मतलब साउंड डॉक्ट्रिन, यानी हितकारी शिक्षा, हितकारी वचन, परमेश्वर के हितकारी वचन, करेक्ट करने वाले वचन।
ठीक करने वाले वचन, जिसमें कोई सुनाते सुनाते कह रहा होगा बीड़ी मत पियो, शराब मत पियो, व्यभिचार मत करो, गाली मत दो, और जो है तलाक मत दो, और प्रार्थना करो, पवित्र बनो, वो नहीं सुनेंगे। वो कहेंगे समझ में आया, बंद करो यार, चुभ रहा है, तकलीफ हो रही है यार, बड़ा काट रहा है। ऐसा समय आएगा, और ऐसा समय आ रहा है, आ ही गया है, जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, वचन नहीं सुनेंगे, बल्कि क्या लिखा है, पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली नहीं समझ में आया हमको, है ना, ओके, कानों की खुजली समझ में नहीं आई, तो प्रभु जी हम एक दूसरे अनुवाद से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। करेंगे, जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे बल्कि मनमाना आचरण करेंगे, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा अपने आप को सहूलियत जहां लगती है वहीं पे हम शिफ्ट होते हैं, वहीं पे हम जाकर के अपना डेरा जमा देते हैं, अपना डल कमंडल रख देते हैं, हैं, अपना तंबू गाड़ देते हैं। यही है यार, यहां कोई नहीं कहता मुझको कि बाइबल पढ़ो, यहां कोई नहीं कहता मुझसे कि प्रार्थना करो, यहां कोई नहीं कहता कि पवित्र बनो, यहां कोई नहीं कहता, यहां तो बस प्रार्थना कर देते हैं, दैट्स इट। वो लोग वैसे हैं जैसे कि यूहन्ना में, अभी यूहन्ना, यूहन का सुसमाचार अध्याय 12 उसके वचन 47 को तो पढ़ लिया लेकिन 48 को पढ़ा ही नहीं। वर्स 47, जॉन 12 वर्स 47 को तो पढ़ लिया, ठीक है 47 को ही डालो जरा यहां पे, देखो आप जब पढ़ोगे तो उससे क्या मतलब निकल के आएगा, मैंने बताया आपको, लेकिन फिर से एक बार डालो यहां पे। यहां पे लिखा है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। तो हाँ, तो प्रभु, प्रभु कह रहा है यहां पर, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि यीशु मसीह दोषी ठहराने थोड़ी ना आए हैं, यीशु मसीह तो उद्धार करने आए हैं, तो अगर मैं नहीं मानता हूं तो भी मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। अरे बंदे रुक तो सही, अगला वचन तो देख, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उनको दोषी ठहराने वाला तो एक है। हो प्रभु, मैं तो सोच रहा था कि आप दोषी ठहराने नहीं आए, आप तो उद्धार करने आए, भले ही से मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन ये क्या कह रहे हो, दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात वचन, वो वचन जो मैंने कहा है अंतिम दिन में तो उसे दोषी ठहराएगा। पत्नी को मारा तुमने, वचन में लिखा है ये वचन तुमको दोषी ठहराएगा। शराब पी तुमने, वचन में लिखा है ये वचन तुमको दोषी ठहराएगा। गाली दी तुमने, वचन में लिखा है ये वचन तुमको दोषी ठहराएगा। पशु संभोग और जो है अप्राकृत संभोग और अप्राकृत चीजें तुमने देखी और तुमने गलत चीजें, गलत साइट में गए, इंटरनेट का गलत उपयोग किया, ये वचन में लिखा हुआ है ये वचन तुमको दोषी ठहराएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जो इस मंदिर को नष्ट करेगा ये मैं उसे नष्ट कर दूंगा, ये वचन तुमको न्याय के दिन, अंतिम दिन दोषी ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। मेरे भाई मेरी बहन, तुमने जो है किसी का पैसा ले लिया और दिया नहीं, बेचारा वो आया तो बहाने मार दिए, कह दो यहां नहीं है, हालांकि दे सकते थे, वापस कर सकते थे, अपनी दाल रोटी तो चलाई तुमने, अपना कर्जा तो निकाल लिया तुमने, अपना पैसा तो दिया तुमने, अपना काम तो कर लिया तुमने, लेकिन जिसने तुमको तुम्हारी जरूरत के वक्त में मदद की थी उसका पैसा मांगने पर भी तुमने नहीं दिया, और धीरे धीरे लीपा पोती करके जब तुमने देखा कि वो अब नहीं मांग रहा है तो तुम उसे भूल गए, आज तक उसने नहीं कहा ना आज तक तुमने दिया है, आपको ये वचन दोषी ठहराएगा, दोषी ठहराएगा।
भले से ही मेरे मुंह से वो बातें ना निकलें जो आप कर रहे हो, लेकिन वचन के खिलाफ में है तो भी आप दोषी ठहराए जाओगे, तो भी परमेश्वर आपको न्याय में खड़ा कर लेगा। आप बच के नहीं जा सकते, यहां बच सकते हो, यहां की अदालत से बच सकते हो, पैसा दे दो बच जाओ, है ना, पैसा दे दो तमाशा देख लो, है ना, बच जाओ। लेकिन परमेश्वर की एक अदालत है जिसमें आपको और मुझको खड़ा होना होगा, जैसा कि दूसरा कुरंथी 5:10 वचन में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको आप बच नहीं सकते, परमेश्वर के न्याय से कोई भी बच नहीं सकता है। बाइबल कहती है गलाती 6:7 में लिखा हुआ है, मनुष्य ईश्वर का उपहास यानी उसको ठट्ठों में मजाक में उड़ा नहीं सकता। कैसे आप उसको मजाक में उड़ा सकते हो, कैसे उसका मजाक उड़ाते हो, ऐसे कि उसका वचन तो सुनते हो लेकिन पालन करते नहीं, उसका वचन तो सुनते हो लेकिन आपको काटने वाली, आपको ठीक करने वाली, आपको बदलने वाली उन बातों को आप जो है क्या करते हो, उसको नहीं सुनना चाहते हो, या फिर उस समय जो है इधर उधर की बातें करने लगते हो, या फिर ऐसा जब सुनाया जा रहा है तो ऑफ करके भाग जाते हो, या फिर ऐसा सुनाने वाला तुम्हारे बगल में ही तुम्हारे घर के पास में किसी चर्च में आ जाए या किसी मैदान में आ जाए तो तुम उसको सुनने नहीं जाते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि अरे क्यों जाना है, ये सब बकवास है, ये सब बेकार की बात है। हमारे जान पहचान के एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सीपी बाबा, वो देखते हैं इस प्रार्थना को, उन्होंने बोला ब्रदर, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन्होंने किसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने बताया लड़का मसीही है, लड़का क्रिश्चियन है, यीशु वाला है, लेकिन कहता है ये जो पास्टर लोग प्रचार करते हैं ये सब जो है बेकार की बात है, बेकार की बात है। क्यों बेकार की बात कह रहा है भैया? इसलिए क्योंकि तुझे काटता है, क्योंकि तू चेंज होना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के सांचे में तुझको डालते ही तेरे को जो है तकलीफ होने लगती है, क्योंकि तेरा जो है बायां किधर जा रहा है तो दायां किधर जा रहा है तो पीछा पीछा पीछे वाला कहीं और जा रहा है। इसके लिए तुम परमेश्वर के वचन के सांचे में उतरना नहीं चाहते। सांचा समझते हो ना, फ्रेम, परमेश्वर के वचन के फ्रेम में उतरना नहीं चाहते। इसलिए तुमको पसंद नहीं कि कोई बोल दे तुम्हारे बारे में, कोई कह दे, कोई कह दे कि सास से मत लड़ो, है कोई कह दे कि तलाक मत दो, अच्छा, कोई कह दे कि जो है झूठ मत बोलो, अच्छा, कोई कह दे कि शराब मत पियो, तेरे पैसे की पी रहा हूं क्या, कोई कह दे कि बीड़ी मत पियो, तेरे पैसे की पी रहा हूं क्या, कोई कह दे कि पत्नी को, पत्नी पर शक मत करो, तेरी वाली पे कर रहा हूं क्या, वो समय आ रहा है, पुट दैट वर्स अगेन, वो समय आ रहा है जब लोग हितकारी यानी यानी खरा उपदेश नहीं सुनेंगे बल्कि अपने लिए चाटुकारक उपदेशकों की भीड़ जमा कर लेंगे, जिन जो जिसमें उनको बस सहूलियत है, अच्छा है, हम नहीं सुनते इनको, हम नहीं सुनते उनको, हम नहीं सुनते वहां, हम नहीं जाते वहां, वो तो ऐसा बताते, ये तो ऐसा बताते। हमारी बाइबिल है, तुम्हारी बाइबल पढ़ो, निशान लगाओ, अगर गलत लगे तो यहां मत आना। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताऊं आपको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगर मैं आपको सही बात नहीं बताऊं तो मैं भी नहीं बचूंगा। अरे तो मुझे तुमसे ज्यादा अपनी फिक्र है, मैं आपकी भी करता हूं, इसी के लिए मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूं कि ये सच्चाई है मेरे भाई मेरी बहन, ये सच्चाई है। वचन, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब शब्द के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा हुआ है, पुराने विधान में उत्पत्ति की किताब में क्या लिखा हुआ है? भले ही आप 1:1-11 तक को आप जो है कह दो कि क्या है, कहानी है, है कहानी नहीं है, वचन कहानी नहीं है, मैं नहीं मानता वचन कहानी है, वचन कहानी नहीं है, वचन वचन है, ना बदलने वाला वचन है। ठीक है, पता है क्या लिखा है, लिखा है शुरू में ऐसा लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1:1
एक से जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर के आत्मा का इंट्रोडक्शन उत्पत्ति की शुरू की किताब में शुरू के अध्याय में ही देख लो, और उसके बाद उसके वचन का कनेक्शन देखो। तब परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। आपको मालूम है, एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड एंड गॉड सेड। पवित्र आत्मा मंडलाए और परमेश्वर ने कहा। क्या कहा? वचन। उसने कहा रोशनी हो, उजियाला हो, और उजियाला हुआ। आप देख रहे हो, सृष्टि के ऊपर छाया हुआ अंधकार मिटाने के लिए परमेश्वर के वचन की आवश्यकता थी। अगर परमेश्वर का वचन सृष्टि के ऊपर का अंधकार जो पाप के वश की पाप के चलते था, तो हमारे और आपके हृदयों में जो अंधकार है वो भी बिना वचन के सुने और कहे मिटेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बताऊं, नया विधान कहता है कि शब्द ने शरीर धारण करके हमारे बीच में निवास किया। ठीक है, अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है कि शब्द ने शरीर धारण करके हमारे बीच निवास किया। दिसंबर महीने में शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया का त्यौहार मनाओगे आप, लेकिन यह बात बहुत पुरानी हो गई है। शब्द ने शरीर धारण करके निवास किया था, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कलीसिया शब्द को धारण करके निवास करे। ये शब्द ये जो है समय आ गया है। शब्द ने शरीर धारण करके तो निवास किया, लेकिन अब समय आ गया है कि कलीसिया यानी लोग शब्द को धारण करके निवास करें। क्यों? क्योंकि रैप्चर होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। अगर शब्द ने शरीर धारण करके निवास किया था और इसलिए उपयोग में आया था, तो जब कलीसिया यानी मैं और आप प्रभु के लोग जब शब्द को धारण करके निवास करेंगे और रहेंगे और चलेंगे, शब्द को धारण करके रहोगे। ठीक है, जब आप जो है कहते हो ना कि माता मरियम ने जो है स्वर्ग वो यीशु मसीह को गर्भ में धारण किया, 9 महीने तक गर्भ में रखा, उनको आप जो है सत्कार करते हो, आदर देते हो, हैं मेरे भाई मेरी बहन, उसी से सीख लो। उसने शब्द को धारण किया, उसने कहा कि तेरा कथन मुझ में पूरा हो, तेरा वचन मुझ में पूरा हो। उन्होंने विश्वास किया कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। उन्हीं से हम सीख लें कि वचन का कितना इंपॉर्टेंस है, जो कि बताया नहीं जाता है कई केसेस में। ये बाइबल तो कुछ समय तक उपलब्ध भी नहीं थी, उपलब्ध हो गई, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, हमारी लैंग्वेज में तो थी भी नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद आज हमारे लैंग्वेज में तो है। एक ही लैंग्वेज में एक ही भाषा में थी, जिसे हम और आप नहीं समझते थे, जन साधारण समझते ही नहीं थे, लेकिन जन साधारण समझ सके इसके लिए इस बाइबल को अनुवादित किया गया। प्रभु को धन्यवाद जिसने भी किया, जिसके भी द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने जो है करवाया। परमेश्वर उसको आशीष दे, लेकिन हम उसके पीछे नहीं है, हम वचन के पीछे हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, भले से ही मैं वचन सुनाता हूं आपको, लेकिन आपको मेरे पीछे होने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर के वचन के पीछे होने की जरूरत है। आप मेरे पीछे हो गए, मैं गिर गया तो शायद आप भी गिर जाओगे, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के पीछे हो, तो मैं आपको स्मरण दिला दूं, परमेश्वर का वचन कभी गिरता नहीं है, और यदि आप उस वचन के पीछे हो तो आप भी कभी गिरोगे नहीं। हालेलुया।
मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे सच कह रहा हूं, ये बात विश्वसनीय और सच्ची है कि आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। आपको इस बाइबल को ना केवल पढ़ना चाहिए बल्कि आपको इस बाइबल पर चलना चाहिए, वचन पर चलना चाहिए। वचन क्या कहता है? मैं ये करूंगी, ये करूंगा, ये मेरे रिश्ते के बारे में, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में वचन क्या कहता है? आज कितने सारे मसीही लड़के लड़कियां हैं और बहुत सारे हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपका विवाह से पहले, क्षमा करें, अच्छा नहीं लगता बोलते समय, लेकिन ये हकीकत है, आप अपने मम्मी से छिपाए पड़े हो, आप अपने पापा से छिपाए पड़े हो, है ना, आपका रिलेशन हो चुके हैं विवाह से पहले, आप फंस गए हो और अब आपको समझ में नहीं आ रहा क्यों, अच्छा ये क्यों हो गया, आपने वचन नहीं पढ़ा, वचन में पढ़ाई नहीं, व्यभिचार की व्याख्या किसी ने की नहीं, किसी ने समझाया ही नहीं, बस पढ़ के सुना दिया, व्यभिचार मत करो। अरे समझाओ तो सही, व्यभिचार है क्या? व्यभिचार शारीरिक संबंध है बेसिकली, इसके बाद आप जो है दूसरे उसमें चीजें जोड़ दो। जब कोई परमेश्वर से ही रिश्ते में नहीं है ढंग से, तो फिर मनुष्य के साथ रिश्ते में क्या होगा ढंग से, आप बताओ। जिसका परमेश्वर से ही रिश्ता बिगड़ा पड़ा है तो सारे खराब खराब रिश्ते तो बाद में वो बनाएगा ही नहीं, आई बात समझ में? जब परमेश्वर से ही हमारा सही रिलेशन नहीं है तो कहां से सही करने के विचार और पवित्रता के विचार और जो है उन्नति के विचार और बढ़ोतरी के विचार और शुद्धता के विचार हमारे अंदर आए और उससे जुड़ा कैसे जाए? कोई तो बता दो हमें रास्ता किधर है कि जाएं, कि वहां पर पहुंच जाएं और अपने एक अपना एक तार वहां पे बांध के आ जाएं और जो है अपने घर तक कनेक्शन ले आएं। बता तो दो कि उससे जुड़ा कैसे जाए? अरे वचन, वचन को छोड़ करके कोई और तार और पाइप और कनेक्शन और लाइन नहीं है जिसके द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ पाएंगे। नो शॉर्टकट, कोई जो है संक्षिप्त मार्ग तो है नहीं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। यहां धरती वाले शॉर्टकट की तरह प्रभु यीशु मसीह के पास भी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट नहीं है, ठीक है? शॉर्टकट अगर चाहिए तो यही है वचन। वचन के बिना आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त, त्रस्त और आतंक से भरी हुई होगी। आप डिसीजन रॉन्ग लोगे, आप निर्णय गलत लोगे, आपके चर्च को आप तोड़ डालोगे, आपके परिवार को आप तोड़ डालोगे, आपके समाज को आप तोड़ डालोगे, आपके साथ वालों को आप जो है तोड़ डालोगे, मतलब किसी से बन के रह ही नहीं पाएगी, आपके डिसीजंस रॉन्ग होंगे। अरे कम से कम वचन में क्या लिखा है वो तो पढ़ो एक बार, पूरी बाइबल तो पढ़ो एक बार तो कम से कम ऐसी पढ़ो एक बार, लेकिन हमने नहीं पढ़ी है। आपने पढ़ते समय जो है कितनी जो है मोटी मोटी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन बाइबल को पढ़ने के लिए आपने नहीं पढ़ा होगा। आपको मैं एक वचन बताता हूं, होशेया नबी का ग्रंथ, होशे चैप्टर 8:12, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। ये जो अनुवाद है ना, इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, आप देखना बिग डिफरेंस। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। आपको मालूम है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा है कि आई हैव रिटन टू हिम द ग्रेट थिंग्स ऑफ माई लॉ। ये जो तर्जुमा है, आई हैव रिटन टू हिम द ग्रेट थिंग्स ऑफ द लॉ, ग्रेट थिंग्स ऑफ द लॉ, यानी वो कह रहा है, मैं अब हिंदी पे मत जाओ आप, लाखों बातें नहीं है वो हिंदी में, नहीं है वो इंग्लिश में, कह रहा है वो कि मैंने उनके लिए, आई हैव रिटन टू हिम द ग्रेट थिंग्स ऑफ द लॉर्ड,
ऑफ द लॉ, मैंने जो है ग्रेट थिंग्स ऑफ द लॉ यानी अपनी व्यवस्था की बेहतर बातें, क्योंकि इसका मैंने जो ओरिजिनल पढ़ा तो उसमें है ये, वो कह रहा है मैंने उनको अपनी व्यवस्था की बेहतर बेहतर बातें लिखी हैं, यानी मैंने अपना जो वचन उनको दिया है उसमें बेहतर बेहतर बातें हैं. देर इज ग्रेट थिंग्स, देर आर ग्रेट थिंग्स हिडन इन हिज वर्ड. ग्रेट थिंग्स आर हिडन इन द वर्ड. ऐसे ऐसी महान महान चीजें और बातें और क्या कहूं, आशीषें, बरकतें, महान महान बरकतें उसके वचन में छिपी हुई हैं, छिपी हुई हैं. आपको याद है यीशु मसीह ने कहा था, एक दृष्टांत सुनाया था, यीशु ने कहा था स्वर्ग का राज्य उस व्यक्ति के जैसा है जिसने जमीन में खजाना पाया और अपना सब कुछ बेचकर उस जमीन को खरीद लिया, क्योंकि उस जमीन में खजाना था. हालेलुया. स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के जैसा है जिसने जमीन में खजाना पाया और अपना सब कुछ जाकर बेच के उस जमीन को खरीद लेता है. सब कुछ बेचने के बाद डर इसने नहीं रहा है, क्योंकि इस बात का विश्वास है कि जमीन के अंदर खजाना गड़ा हुआ है. Matthew 13:44 Matthew 13:44 में स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया. स्वर्ग का राज छिपे खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाके अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया. क्या मतलब है इसका कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने यानी धन के समान है जिसने जिसे किसी ने पा करके छिपा दिया और आनंद के मारे जा करके अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया. ये ग्रेट थिंग्स ऑफ द लॉ है. यही मतलब यीशु मसीह समझा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य उस खजाने के समान है जिसे पाने के बाद मनुष्य अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है. स्मरण रहे आपको प्रेरितों के समय में वो कर क्या रहे थे, आप बताओ मुझे. वो जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, और सुसमाचार जब सुनाते थे उसके बाद जब वो प्रार्थना करते थे, सुसमाचार बिना सुनाए प्रार्थना नहीं करते थे, वचन सुनाए बगैर बिना प्रार्थना नहीं करते थे. बिना वचन के वो रोटी तोड़ते नहीं थे प्रभु भोज में. पहले वचन प्रचार होता था, केवल गाना गाना नहीं होता था, वचन प्रचार होता था. अच्छे से समय दिया जाता था, अच्छे से समझाया जाता था. हालेलुया. काश, मेरी प्रार्थना है, काश आप उन लोगों को सुन पाओ, काश आप उन लोगों को सुन पाओ जो वचन को सचमुच में स्टडी करके सुनाते हैं. ऐसे हो जाओगे सचमुच में. वचन के ग्रेट ग्रेट टीचर हुए हैं, हैं, सुनते नहीं है हम बस. अपने ही तालाब में छपर छपर करो, समझ रहे हो, मेढक होता है ना अपने ही तालाब में छपर छपर करके इधर उधर घूमा. दिस इज माय सी, दिस इज माय समंदर, समझ रहे हो आप. अरे थोड़ा सा पानी भर जाने दो कुएं में, ठीक है, और कुएं से मेढक बाहर निकल के समंदर पे जा, तब देख. There are great things hidden in the word. They have been preached. Those things, वो बातें जो है प्रचार की जा रही हैं. Hallelujah. एक बात बताओ मुझे, ये चेलों को पवित्र आत्मा देने की क्या सूझी यीशु मसीह को? यीशु मसीह को पवित्र आत्मा देने की
इन बाराहों को क्या क्यों क्या सूझी यीशु मसीह को, क्या आया मन में कि यार इन्हीं को दे दो पवित्र आत्मा, बताओ, सोचो सोचो। वो लोग यीशु के साथ रहे और यीशु मसीह के वचनों को सुनते गए। आपको स्मरण रहे कि बाइबल कहती है कि किसी जगह पे लिखा है कि जब सैनिक लोग यीशु को पकड़ने के लिए आए थे, तब सैनिक लोगों ने जब सुना तो वो पकड़ना भूल गए यीशु को, और जाकर के उन्होंने राजा को बोला कि जैसा वो बोलता है वैसा कोई नहीं बोलता। आह, जैसा वो बोलता है वैसा कोई नहीं बोलता। किससे कह रहा जाके? सैनिक, राजा से। जैसा वो बोलता है, जैसा वो बोलते हैं वैसा कोई नहीं बोलता। मिला हा? जॉन 7:45, यूहन्ना अध्याय 7:45, देखो क्या लिखा है। सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए, लिखा है, उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? 46वां, सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बात ना की। ओके, मैं आपको दूसरे अनुवाद से भी बताता हूं, एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा था वैसे ही लिखा हुआ है। धन्यवाद पवित्र आत्मा। लिखा है, कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब सैनिक महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? सैनिकों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। हालेलुया। सोच के देखो, मैं आ रहा हूं इस पर, बताऊंगा क्या सूझी यीशु मसीह को इनको पवित्र आत्मा देते हैं, भरते हैं इनको। जैसे यीशु मसीह बोलते थे ना वैसा कभी कोई नहीं बोला, ऐसे के साथ में थे चेले। सेंटेंस समझ में नहीं आया शायद, है मेरा कैमरा नहीं हिला, इसे हिलता है तब पता चलता है आपको समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया। पता है, लिखा है कि चेले लोग जो है ऐसे के साथ में थे, यानी ऐसे प्रभु के साथ में, ऐसे मसीहा के साथ में थे कि जैसे वो बोलते थे वैसा कोई बोल नहीं सकता था। हालेलुया। होशिया 8:12 में मैंने पढ़ के सुनाया, क्या लिखा है, आई हैव रिटन टू हिम द ग्रेट थिंग्स। If there are written things, which are so great, think about that. These written things, which are so great, became flesh. आप जरा सोच के देखिए कि ये जो जो महान महान बातें लिखी हुई हैं, लिखी हुई बातें इतनी महान हैं, तो ये लिखी हुई महान बातों ने जब मांस रूपी शरीर धारण किया और हमारे बीच में रहा, सोच के देखिए उसकी महिमा, उसकी ग्लोरी के बारे में सोच करके देखिए। जब वो बोलता था तो लोगों को लग जाता था। उसने बोला, यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो इस स्त्री को पत्थर मारे। मजाल है किसी के हाथ हिले हों और मजबूती आई हो उनकी बाजुओं में कि ला मारता हूं इस औरत को पत्थर। एक के भी बाजू में मजबूती नहीं आई, एक के भी कंधे नहीं हिले, एक के भी हाथ नहीं उठे, बल्कि ढीले पड़ गए, पत्थर छूट गए। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या समझदार, क्या ना समझ, सबके हाथ से पत्थर छूट गए, सब घर चले गए। यीशु मसीह उठे और उसने कहा,
किसी ने तुझे दंड नहीं दिया, जब मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा। आहा, जैसा वो मनुष्य बोलता है, जैसे यीशु मसीह बोलते थे, वैसा आज तक कोई नहीं बोला और कोई बोल भी नहीं सकता है जब तक पवित्र आत्मा ना आए। हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं आपको इस बाइबल को स्टडी करने के लिए, मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, ऐसे के साथ थे चेले, ऐसे के साथ थे चेले लोग। मुझे ये समझ में आ रहा है इस समय कि जब यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तो निसंदेह चेले लोगों को रोना आया। यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति और हस्ती थे जिसके साथ रहते रहते साथ छोड़ने का मन नहीं करता है। यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ रहते रहते इनको महसूस हुआ, मां यही है, बाप यही है, व्यापार यही है, धन यही है, संपत्ति यीशु है, उम्मीद यीशु है, मंजिल यीशु है, मार्ग यीशु है, सत्य यीशु है, खजाना यीशु है, ईश्वर का राज्य यीशु है। क्यों ना उनको रोना आए, उनको रोना आया, चेले लोगों को रोना आया जब यीशु ने कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सोच करके देखिए इस बात को, जब यीशु मसीह ने अंतिम ब्यारी के समय प्याला लिया और रोटी ली और उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे कि मेरा मांस है, मेरा रक्त है, लो खाओ, लो पियो, और फिर बोले मैं यहूदियों के द्वारा पकड़वा दिया जाऊंगा, मरवा डाला जाऊंगा, तुम सब मेरा साथ छोड़ दोगे और तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और फिर पत्रस बोला, तो पत्रस को बोल दिया तुम मुझे तीन बार इनकार करोगे। मैं जानता हूं उस वक्त जब यीशु ने इस सच्चाई को रखा तो चेले लोगों को लगा, दिल टूट गया चेले लोगों का कि ऐसा क्यों बोला आपने, आप ही तो हमारी उम्मीद हो। मैं नहीं कह रहा, मैं जो कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि ये लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं, ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसे आ रहा है बोलने के लिए। यीशु मसीह के चेलों को लगा आप ही तो हमारी उम्मीद हो, आप कह रहे हो कि मैं पकड़वा दिया जाऊंगा, आप मको मरवा डालेंगे, आपने तो कहा था, ये सब उनके मन में चल रहा होगा, आपने तो कहा था कि जो है मुझे मेरा प्राण खुद देने और उसे वापस लेने का हक है, आज आप कहते हो कि मुझे मरवा डाला जाएगा, ये कैसा भेद है, और आप हमें छोड़ के चले जाओगे, आप हमें छोड़ के चले जाओगे। चेले लोगों का दिल टूट गया। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो जीवित वचन जो लिखा हुआ था वो बन करके आया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच में एक भाई प्रचार करते हैं, उन्होंने कहा एक व्यक्ति जो दुष्ट था उससे कहा, इफ यू एवर मेट जीसस यू वुड हैव नॉट टॉक्ड लाइक दिस। अगर तू एक बार यीशु मसीह से मिल लेगा ना तो तू दोबारा इस तरह से भाषा का उपयोग नहीं कर पाएगा। एक बार, वन एनकाउंटर विद जीसस इज इनफ टू चेंज द हार्ट ऑफ मेन। अ सिंगल एनकाउंटर, अ स्लाइटेस्ट टच फ्रॉम द लॉर्ड इज इनफ टू चेंज द लाइफ ऑफ मेन। छोटा सा स्पर्श, एक मिलन यीशु के साथ काफी है, काफी है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच बता रहा हूं आपको, आप ना इस यीशु मसीह को जान सकते हो, इनके करीब आ सकते हो, उसका एक ही रास्ता है और वो है उसका वचन।
उसके वचन के बिना क्या मिस्सा कर रहे हो आप, उसके वचन के बिना क्या आराधना कर रहे हो आप। मैं नहीं कर रहा ये सब गलत है, नहीं, उसके वचन के बिना क्या प्रभु भोज, उसके वचन के बिना क्या प्रार्थना, उसके वचन के बिना क्या अभिषेक, उसके वचन के बिना क्या चंगाई। मेरे भाई मेरी बहन, मैं सच बता रहा हूं आपको, यीशु मसीह ही जब बोले कि मैं जाता हूं, मैं जो है चला जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, ऐसे के साथ जब वो रह रहे थे, उन्होंने महसूस किया था। मैंने कहा आपसे यही हमारा सब कुछ है। उन्होंने 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 विश्वास किया था यीशु मसीह में। अभी तक उनमें से किसी के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, लेकिन वो इतने ज्यादा डूब गए थे उस प्रभु में। याद है आपको, यीशु के चेले इतना ज्यादा डूब गए थे प्रभु यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा के मिलने से पहले ही इतना ज्यादा डूब गए थे कि पत्रस कहता है, मैं आपके लिए जेल जाने और मरने को तैयार हूं। भले से ही उसने 3 बार इनकार किया, लेकिन वो झूठ नहीं बोला था, उसने सच कहा था, मैं आपके खातिर जेल जाने और मरने को तैयार हूं, लेकिन वो नहीं कर पाया। फिर वो खुद टूट भी गया, फिर वो जो है रोया भी, उससे नहीं हो पाया। मैंने कहा और मैं नहीं कर पाया, मुझसे नहीं हो पाया प्रभु, मैंने तुझे धोखा दिया, तूने कहा था इनकार करेगा, मैंने कहा था नहीं करूंगा, और तू कह रहा था करेगा, मैं कह रहा था नहीं करूंगा, तू कह रहा था करेगा, प्रभु तेरा वचन सच हो गया, मैंने कर दिया इनकार। लेकिन पश्चाताप उसने किया, रोया वो, पता नहीं कहां जाके छिपके रहा वो, कैसे कोठरी में कहीं जाकर छिप करके बैठा हुआ था। सारे चेले वहां से भाग गए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, उसके बाद यीशु मसीह जी उठे, सब लोग जो है उदास थे, सब लोग जो है लोगों का, चेलों का दिल टुकड़े टुकड़े था। हमारा वो जिसके बारे में हमने सुना था, जैसा वो मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला, अब वो हमारे साथ नहीं है, अब वो हमारे साथ नहीं है। और आप भूल ना जाना, माउस की तरफ जाते समय दो चेलों से जब यीशु मसीह ने मुलाकात की थी, और यीशु मसीह ने जब वचन को उनको समझाया, तब उनको मसीहा की क्रूस पर की मौत समझ में आई। अरे बिना वचन प्रचार के मसीहा के क्रूस पर की मृत्यु गुड फ्राइडे तुम्हें ना समझ में आएगा, बिना वचन के। और आपको मालूम है क्या लिखा हुआ है, आप वहां लिखा हुआ है कि चेले लोग जब वहां पर गए यीशु मसीह के साथ, जब रोटी तोड़ी गई, यीशु वहां से ओझल हो गए, चले गए, तब लिखा हुआ है कि चेले लोग आपस में कहने लगे, हमारे दिल कितने जल रहे थे जब वो रास्ते में हमारे लिए धर्म ग्रंथ यानी वचन की व्याख्या कर रहे थे। जैसा वो मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। जब वो बोलता है तो दिल में आग लग जाती है, हालेलुया, दिल में आग लग जाती है। अरे मौत क्या मारेगी और आग क्या जलाएगी, हम तो पहले से मरे और जले हुए हैं, हम तो पहले से मरे और जले हुए हैं, ये धरती की आग क्या जलाएगी और धरती के लोग क्या मारेंगे। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को मारते, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को उठा के नरक की आग में डाल सकता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे सच कह रहा हूं, चेले लोग सचमुच में उन्होंने महसूस किया था, जैसे यीशु हैं, हम और किसी को यीशु की जगह दे ही नहीं सकते, हम और किसी के बारे में यीशु के अलावा सोच ही नहीं सकते हैं, हमारा दिल तो उनका मुरीद हो चुका है, हम तो उनके हो चुके हैं, हम तो उनके हो चुके हैं, हम तो उनके हो चुके हैं, हम तो उनके हो चुके हैं। और आपको मालूम है एक गाना भी है ऐसी। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हे प्रभु हम तेरे हो गए, तू थाम ले। हे प्रभु हम तेरे हो गए, तू ये दया
मन हमें ना छले। ऐसा कह रहे थे हो गए तू थामले। जब यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं तब उन्होंने यही बोला होगा हो गए तू थामले। हर गली हर नगर प्यार के सिलसिले हर गली हर नगर प्यार के सिलसिले। दूर हो जो कोई तुझसे वो आ मिले। भाई मेरी बहन, चेले लोग, शिष्य लोग, जब यीशु ने कहा मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, वो रो रहे थे। उन्होंने महसूस किया यीशु से महान कोई नहीं है। उन्होंने महसूस किया No one is greater than Jesus। यीशु से महान कोई नहीं है। यीशु से महान कोई नहीं है। जब यीशु मसीह ही ने कहा कि मैं जा रहा हूं
तब उन्होंने महसूस किया हमारी मां हमसे छूट रही है। उन्होंने ऐसा महसूस किया हमारा बाप मर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि वो मार्ग वो सत्य हमसे छीना जा रहा है। उन्होंने महसूस किया कि हम अनाथ हो जाएंगे, नहीं तो यीशु के मुंह से नहीं निकला होता कि मैं तुझे अनाथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। उन्होंने महसूस किया, वही यीशु ने कह दिया। उन्होंने महसूस किया, यीशु आप कहां जा रहे हो? इतने साल तक हम आपके साथ रहे और अब आप जा रहे हो, कहां जा रहे हो आप? यीशु ने कहा, मैं जहां जा रहा हूं वहां तुम अभी नहीं आ सकते। यीशु मसीह के जेल होने, यही कारण था कि जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद में वो उनसे मिले, जब यीशु मसीह उनसे मिले तब वो इतने खुश थे कि सच में आपका वचन सच में जीवित है, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ। आपने कहा था आप पकड़वाए जाओगे, आप पकड़वाए गए। आपने कहा था आप मारे जाओगे, आप मारे भी गए। लेकिन आपने कहा था आप जी उठोगे, आप जी भी उठे। उन्हें लगा यीशु हमारे साथ रहेंगे, लेकिन यीशु ने बोला मैं जा रहा हूं। लेकिन यीशु ने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, एक दूसरा मददगार, एक दूसरा सहायक जो सदा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु के चेलों को देखो कि किस तरह से यीशु मसीह का असर यीशु के चेलों के ऊपर में था, कि जब एक बादल उनको उनकी आंखों से ओझल कर चुका तब किसी ने पलकें ना झुकाई और जमीन की तरफ नहीं देखा, बल्कि वो ताक रहे थे, वो देख रहे थे आसमान की तरफ, वो देख रहे थे आसमान की तरफ, वो देख रहे थे, टकटकी लगा के देख रहे थे। मानो उनका मन नहीं था उस दृश्य से आंख हटाने का, उस दृश्य से आंख हटाने का उनका मन नहीं था। वो देखे जा रहे थे, मानो वो कह रहे थे वहां खड़े खड़े, यीशु आप क्यों चले गए? ऐ बादल तू हट जा, एक बार और देख लेने दे। तभी एक स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया और बोला, गलीलियों, जैसे तुमने उसे जाते देखा वैसे ही आते हुए भी देखोगे। जैसे तुमने जाते हुए देखा वैसे तुम आते हुए भी देखोगे। मेरे भाई, 2000 साल बीत गए हैं इस बात को, अब हम और ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और अब वो वाक्य पूरा होने वाला, जैसे वो गए हैं वैसे ही वो आने वाले हैं। इससे पहले कि वो आए, तैयार हो जाएं कि आप कपड़े पहन लो, कि आप चप्पल पहन लो, कि अंधकार वाली बातों को हटाओ, कि गंदी बातों को छोड़ो और उसके लायक बन जाओ कि वो तुमको उठाए, वो तुमको ले जा सके जब रैप्चर हो, जब उठाया जाना हो तब।
और आप द्वितीय आगमन में उसके राज्य के अधिकारी बन करके उसके साथ राज्य कर सको। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय प्रार्थना करें। इस समय परमेश्वर आपको इस समय छुए, प्रभु आत्मा आपको इस समय छुए, पवित्र आत्मा आपको छुए। थैंक यू जीसस। Yeshua.
देता मैं समय के एक बीमार को, एक एक आंसू बहाने वाले को, एक एक तकलीफ में पड़े हुए को, एक एक दर्द झेल रहे को, एक एक निराश को आपके सामने ले आता हूं। एक एक को आप छुओ इस समय। मेरे भाई मेरी बहन, आप विश्वास करो कि इस समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आपको छुएगा का मतलब यह है कि आपकी बीमारियां आपको छोड़ करके नष्ट हो जाए। विश्वास करें, विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा इस समय आपके बंधनों को तोड़ डालेगा। विश्वास करें, विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा इस समय आपको चंगा करेगा। विश्वास करें कि आपको जो नौकरी नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उसके लिए व्यवस्था करेगा, क्योंकि आप यीशु के नाम से यहां इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं। जो कहता हूं वो करो, परमेश्वर के वचन पर चलने वाली बात में मजबूत हो जाओ, आशीषें पीछे पीछे दौड़ दौड़ करके तुमको मिलेंगी, तुमको रोक रोक करके तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। उसका वचन थाम लो, यीशु मसीह को थाम लो। मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूं, इस समय प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए पिता। मैं प्रार्थना कर रहा हूं इस समय यीशु के नाम से सारी बीमारियां जाती रहें। जिस किसी की भी ऐसी बीमारी है जो ठीक होने पे नहीं आ रही है, आप इस समय मेरे साथ में प्रार्थना करो। खड़े हो जाओ और इस समय प्रार्थना करो। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और विश्वास के साथ बोल रहा हूं, ऐसी बीमारियां जो आपको जा नहीं रही हैं, चाहे इलाज कराया तो, दवाई खाई तो, ऑपरेशन कराया तो, नहीं जा रही हैं, आप विश्वास के साथ इस समय खड़े होकर के ग्रहण करें कि प्रभु हाँ, इस समय मुझे छू ले, पवित्र आत्मा मुझे इस समय छू ले, मैं इस समय चंगा हो जाऊं, मैं इस समय चंगी हो जाऊं, मैं इसी समय ठीक हो जाऊं, मेरी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाए 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 यीशु के नाम से, बीमारियां जाए इसी समय, ये नष्ट हो यीशु के नाम से। ओ यीशु के नाम से इस समय उद्धार की आशीष मिले, लोगों को छुटकारे की आशीष मिले इस समय। मैं प्रार्थना करता हूँ बीमारियां नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इसी समय छुए के को स्पर्श करे, चंगाई मिले यीशु के नाम से, चंगाई मिले यीशु के नाम से, छुटकारा मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो लोग प्रभु जी इस समय कैंसर से पीड़ित है प्रभु, जो कैंसर से पीड़ित है और जिनको जवाब दे दिया है, लास्ट स्टेज है ये, इनका कुछ नहीं हो सकता। अगर उनका कोई भी भाई बहन या रिश्तेदार इस प्रार्थना में शामिल है या वो, तो आप उन्हें छुओ इस समय, स्पर्श करें पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, स्पर्श करें कैंसर की दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से इनके अंदर से निकल के नष्ट हो जाए, इस समय नष्ट हो जाए, जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ, जाए इसी समय यीशु के नाम से, जाए यीशु के नाम से कहता हूँ इस समय पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग पैरालाइज्ड हैं, यीशु के नाम से इस समय ठीक होने पाए, 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 ठीक होने पाए। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपने अपना प्रार्थना निवेदन लिखवाया है, आपको इस प्रार्थना में शामिल रहना है। ये मेरी ड्यूटी मात्र नहीं कि मैं प्रार्थना करूं आपके लिए, ये आपका कर्तव्य भी है कि आप इस प्रार्थना में शामिल होकर के प्रभु की आशीष को पाओ और चंगे हो जाओ। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय कई लोग बीमार हैं, कई लोग बीमार हैं, कई लोग बीमार हैं, यीशु के नाम से चंगाई पाओ इस समय, यीशु के नाम से चंगाई पाओ इस समय, यीशु के नाम से चंगाई पाए इसी समय आप, यीशु के नाम से छुटकारा पाओ आप इसी समय, यीशु के नाम से बच्चे की आशीष मिले आपको, यीशु के नाम से आपकी रसौलियां नष्ट हो जाएं, यीशु के नाम से आपकी शुगर नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से आपका आर्थराइटिस नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से आपका कोलेस्ट्रॉल जाता रहे, आपका
बीपी जाता रहे। यीशु के नाम से आपका दर्द, गले का दर्द और जीभ की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम ठीक हो जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आपको चर्म रोग, एलर्जी, आस्थमा, डायबिटीज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, 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 इस समय नष्ट हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आस्थमा यीशु के नाम से नष्ट हो जाए इस समय। रसौली यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। खांसी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। कान नाक का दर्द, घुटने की तकलीफ यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, खुजली, गलत ऑपरेशन यीशु के नाम से जो हुए हैं ठीक किए जाए ओ प्रभु, इस समय छुए आप। किडनी की प्रॉब्लम, यूरिन की प्रॉब्लम, बच्चेदानी में प्रॉब्लम, मिसकैरेज होना, आंखों में प्रॉब्लम, गूंगापन, बहरापन, अपंगता, मानसिक रोग, चेस्ट पेन, बुखार, चलने में प्रॉब्लम, ब्रेन टीबी और शरीर में जलन, पथरी, संतानहीनता ओ यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जो हॉस्पिटलाइज्ड है यीशु के नाम से ठीक होकर आए। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, पीलिया है, अनीमिया है, दांतों में प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, यीशु के नाम से ठीक हो, ओ ठीक हो यीशु के नाम से, ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो। गुप्त रोग यीशु के नाम से, वाइट डिस्चार्ज जैसी बीमारियां यीशु के नाम से ठीक हो। लकवे की बीमारी ठीक हो। कैंसर की गांठ जाती रहे यीशु के नाम से। खून की कमी दूर हो यीशु के नाम से। लीवर की प्रॉब्लम दूर हो। गर्दन में प्रॉब्लम दूर हो। सूजन, सूजन जो है यीशु के नाम से दूर हो। मिर्गी की प्रॉब्लम दूर हो। दौरे जो पड़ते हैं यीशु के नाम से जाते रहे। नसों की जो प्रॉब्लम है, हृदय रोग है यीशु के नाम से जाता रहे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, छुए 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 इस समय। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, छुए एक एक भाई को, एक एक बहन को। यदि मेरे भाई मेरी बहन आप चंगे होते हो, आप ठीक होते हो, तो आपको लिखना है, आपको गवाही देनी है, आपको छिपाना नहीं है। क्योंकि यदि आप छिपाओगे तो परमेश्वर जो आपको देता है वो रुकता नहीं है, रुकेगा नहीं, क्योंकि शैतान उसका उस पर कब्जा होता है। जब आप टेस्टमनी देते हो, जब आप गवाही देते हो, शैतान को आप अपने जीवन से इनकार कर देते हो। यही कारण है यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम के गवाह होगे, गवाही दोगे, गवाही देना है, गवाही देना चाहिए, गवाही देना। मेरे भाई मेरी बहन ठीक हो रहा है आपको, किसी को गले में प्रॉब्लम ठीक हो रही है, किसी को होंठों में जो प्रॉब्लम है, जीभ में जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है, किसी को कैंसर ठीक हो रहा है, आर्थराइटिस किसी का ठीक हो रहा है, किसी के घाव जो है सूखता नहीं है वो सूख रहा है इस समय, किसी को यूरिन की प्रॉब्लम ठीक हो रही है इस समय, कमर की प्रॉब्लम, कमर दर्द, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इसी समय ठीक हुआ है, सिर दर्द इसी समय ठीक हुआ है, नाक की हड्डी बढ़ती है आपकी, बढ़ी हुई है, ठीक हो रहे हो आप, आपको जो है ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग किसी को यीशु के नाम से ठीक हो रहा है, यीशु के नाम से ठीक हो रहा है। आपको किसी को मस्से हैं जहां तहां, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, यीशु के नाम से ठीक हो रहा है। आपके हाथों का दर्द यीशु के नाम से ठीक हो रहा है। आपके पैर का दर्द यीशु के नाम से ठीक हो रहा है। आपके सिर का दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं यीशु के नाम से ठीक हो रही है। विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। प्रभु ऐसे जितने भी भाई हैं जिनको नौकरी नहीं है, आप उनको नौकरी की आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ मेरे भाई मेरी बहन, आप जितने भी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, चल फिर नहीं सकते हो, आपको जो है आपको एक ही जगह पे पड़े हुए हो, आपको एक ही जगह पे पड़े पड़े कई साल हो गया है, इस समय मेरे साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको छू रहा है इस समय, छू रहा है इस समय, छू रहा है इस समय, छू रहा है उस समय, छू रहा है इस समय, छू रहा है इस समय। मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैं प्रभु के मन से कह रहा हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। हिम्मत कर और उठ के खड़ा हो जा, हिम्मत कर और उठ के खड़ा हो जा, हिम्मत कर उठ के खड़ा हो जा। दायां पैर किसी का हिल रहा है इस समय, दायां पैर, दायां पैर, दायां पैर, दायां पैर, प्रभु किसी का छू रहा है इस समय, हिल रहा है, हिला उसे, उठा, उठा यीशु के नाम से, अपना हाथ उठा यीशु के नाम से, अपनी गर्दन घुमा यीशु के नाम से, अपनी कमर को घुमा के देख यीशु के नाम से, अपने पैर को घुमा करके देख यीशु के नाम से, अपनी उंगली को मोड़ करके देख यीशु के नाम से, अपने अपने चमड़ी को छू करके देख, वहां पे दर्द नहीं है, वहां पे गांठ नहीं है, तू ठीक हो चुका है। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से कहें, 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 मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। येशुआ Yeah.
चाहता मैं एक एक भाई के लिए, एक बहन के लिए जो इस कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना निवेदन लिख रहे हैं, मैं उनको इस समय याद करता हूं। प्रभु जी, मेरे भाई मेरे बहन, आप जो भी कोई है, नाम लिख रहे हैं या नाम नहीं लिख रहे तो भी मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर का अभिषेक यहां पर स्पर्श कर रहा है, वो आपको छुए इस समय। आशीष देता हूं उनको, आशीष देता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको ब्लेस करता हूं इस समय। अंडर द एनॉइंटिंग आई प्रोनाउंस ब्लेसिंग अपॉन योर लाइफ। ये यीशु मसीह के द्वारा बह रहे अभिषेक के अंतर्गत मैं आपके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं, ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम से। कहो आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। और किसी का जो है कंधे से रिलेटेड रोग अभी जाता रहा है और आप इस समय चंगे हो गए हो, आप कोई सपोर्ट भेजना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आप जो है कर सकते हैं। यदि आप इस प्रार्थना द्वारा आशीषित हुए हैं तो कृपया अपनी गवाही की वीडियो बनाकर व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर भेजें। आप अपनी प्रार्थना निवेदनों को 9456596390 पर प्रातः 10:30 से दोपहर 2 के बीच कॉल कर बता सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए ईमेल एड्रेस पर भी आप संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री द्वारा सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक सहायता करना चाहते हैं या आर्थिक रूप से बीज बोना चाहते हैं तो सामने दिए गए डिटेल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। भारत के बाहर से भेंट भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर 6398779772 पर संपर्क करें। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। कुछ प्रार्थना सभा होने वाली है। एक प्रार्थना सभा जो होने वाली है वो है 7 तारीख को अहमदाबाद में प्रार्थना है। इसका एड्रेस है 4 Rhythm Residency अपोजिट कोसा सोसाइटी नियर सोमनाथ स्कूल मणिनगर ईस्ट। शाम 7 बजे से 10 बजे तक ये प्रार्थना होगी। फ़ोन नंबर जो लिखा हुआ है उस पर संपर्क करके आप आ सकते हैं, फ़ोन कर लेना। और उसके बाद में 9 तारीख को प्रार्थना सभा है पेटलाद गुजरात में ही। इसका पता है 9B अवकार सोसाइटी पेटलाद नियर रामबाग सोसाइटी बिहाइंड संत रामपुरा प्राइमरी स्कूल पेटलाद गुजरात। फ़ोन नंबर नोट कीजिएगा। 8 बजे से प्रार्थना शुरू होगी, आप यहाँ पहुँच सकते हैं फ़ोन करके। और उसके बाद में पेटलाद गुजरात में ही प्रार्थना सभा है 25 नवंबर को जो कि रात 8 से 10 शुरू होगी। पता है A54 सहयोग रेसिडेंसी नियर खंडास नगर पेटलाद गुजरात। आप यहां आ सकते हैं। और इसके बाद में प्रार्थना सभा है होशियारपुर पंजाब में 16-17 दिसंबर को। पता है 91 विलेज पटियाड़िया नियर शिव शक्ति मंदिर उना रोड पोस्ट ऑफिस खरका होशियारपुर पंजाब। फ़ोन नंबर है उसको आप नोट करना। आप आना चाहते हैं तो आने से पहले सूचित करना जिससे कि आपके लिए हम व्यवस्था कर पाएँ। आपकी संख्या कितनी है वो भी पता चल जाए हमें। इसके बाद में राजस्थान कुशलगढ़ में प्रार्थना सभा है 30-31 दिसंबर और जनवरी 1 तारीख को। पता है नवज्योति पब्लिक माध्यमिक स्कूल कलिंजरा कुशलगढ़ 9:00 बजे से। 2 फ़ोन नंबर हैं, किसी पर भी फ़ोन करके आप अपने आने की सूचना दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सूख गए सूख गए। Thank you.
विश्वास जो मैंने किया, पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया, उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया, उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया, विश्वास जो मैंने किया, पल्ला यीशु का पकड़ा, उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया, उसने तरस मेरे पे उसने तरस मेरे पे खा, मुझको चंगा कर दिया, मन खुशियों से भर गए, डूबे हुए भी थक गए, दुश्मन सारे हार गए, आशीष दे आपको। आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु आपको ब्लेस करें। आप दूसरों को बताइएगा, कल और अधिक लोगों को बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्रभु के वचन की तारीफ कीजिएगा। ठीक है, प्रभु से जुड़े रहिएगा। आपको मेरी ज़रूरत महसूस होती है, मुझे फ़ोन कर सकते हैं आप 10:30 से 2 के बीच में। उसके बाद मेरा समय शाम तक प्रार्थना का होता है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे। आप सबके लिए प्रार्थना की जा रही है। मैं खुद आपके व्यक्तिगत निवेदनों को रखता हूँ प्रभु के सामने, और आपके लिए जो है रजिस्टर बना के हम लोग लिखते हैं। आप आओ या मत आओ, आपका नाम हमारे पास है। प्रभु आपको आशीष देंगे, आप आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ज़रूरी है। वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो। बाइबल में लिखा है नए विश्वासी जो है वचन सुनने के लिए, प्रेरितों की शिक्षा सुनने के लिए इकट्ठे होते थे। इकट्ठे हो, हम इकट्ठा होने का समय है। प्लीज़ औरों को बताइएगा। हाँ, ये भेदभाव हटे हमारे अंदर से। ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो वाले हैं, ये वो वाले हैं, ये सब नीचे जाए, वचन सबसे ऊपर आए। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। जय शिव।